हमारे संस्थान द्वारा 2016 में विकसित प्रजाति है अरहर की, और इस प्रजाति को पूसा 16 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अरहर की प्रजाति 16 है, इसका जो लगाने का समय है वो 25 मई से और 10 जून तक इसको अगर लगा लें तो इसमें टाइमली सोन गेहूं भी आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इस समय क्रॉप, ये 26 मई की बोई हुई क्रॉप है। इस प्रजाति में एक निराई हमने की है अब तक और कोई हमने सिंचाई नहीं की है। पूर्ण रूपेण ये जो 23 मई को बारिश हुई थी उस पर आधारित है, वर्षा आधारित ही अब तक है, उसी के आश्रय से पल रही है। और इसमें एक निराई के उपरांत अब इसमें एक कहीं कहीं किसानों के यहाँ हो सकता है कि इसकी उसमें कहीं कहीं पौधे सूख रहे हों, एक आध पौधे सूख रहे हों, उसकी वजह जो है वो एक ड्राई रॉट बीमारी होती है जो कि फंगस के द्वारा होती है, वो उससे पौधे कहीं कहीं सूखने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए उसमें इस समय हम क्या करते हैं कि एक लाइट इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, और उस पानी में बेविस्टिन को का जैसे शिवालय पे एक वो होता है ना, एक एक बूंद पानी गिरता है शिवालय पे, ऐसे ही उस नाली में जहाँ से पानी का निकास हो रहा है वो हम नाली पे इस तरीके से रख देते हैं, तो इससे एक एक बूंद पानी गिरता रहता है और वो पानी के सहारे जड़ों तक में पहुँच जाता है, तो जिससे कि वो फंगस जो है उसका कंट्रोल हो जाता है और ये क्रॉप जहाँ पे जो ये प्रकोप होता है उससे रुक बंची मतलब बच जाती है। अच्छा, इसमें कुछ दिन बाद करीब करीब ये फसल जिस हिसाब से अभी चल रही है ये अक्टूबर में के उसमें प्रथम सप्ताह में कट जाएगी, तो जिससे कि टाइमली सोन व्हीट आ जाएगा, इसमें गेहूं आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।